everyone वेलकम बैक टू my चैनल जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने सोचा है कि आज थोड़ी फ्री हूँ मैं तो मैं अपने drawer साफ़ कर लूँ तो ये सारा ज्वली का कलेक्शन मैंने बाहर निकाला है और इसको मैं अब ऑर्डर वाइज लगा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने सारे आर्टिफिशल जो शादी में पहनते हैं हम लोग वो ज्वेलीज हैं एक साइड अब इसमें और भी आएँगे जैसे कि सब मेस्ट हो यहाँ से वहाँ मैसे हो गया है ये, इसका एयर ढूंढना है मुझे एंड इस झुमका ये सब इसमें आएगा बिकॉज अभी शादी से लौटने के बाद इतना अच्छे से मैंने सब कुछ सेट नहीं किया है अभी सब मिक्स हो चुका है तो आई विल बी डूइंग दैट टुडे एंड जिस तरीके से पैक किया था मैंने सब कुछ वैसा ही है ओके okay. एंड ये जो बॉक्स है इसमें मैंने सिर्फ ये बॉक्स मैंने सिर्फ ईयर रिंग्स का बनाया था बट धीरे धीरे सब निकलते चले गए और इसमें अब ये भी साफ़ करना है मुझे अभी बहुत काम है आज के लिए वैसे मुझे लगा जल्दी हो जाएगा बट नहीं बहुत टाइम लगने वाला है ओ शर्ट ये मैंने गोवा में लिया था और ये गोवा के लिए लिया था एंड वैसे ही बहुत अब जैसे कि हर जगह का ट्रिप का मेरा एक निशानी होता है तो ये इस बार मैंने जयपुर से ख़रीदा है ये आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा ये मैंने वहीं से लिया था बापू बाज़ार से और वैसा uh, आई ये रहा ये मैंने गोवा में लिया था ये गोवा जाने के लिए लिया था अमेज़ोन से और ऐसे बहुत कुछ है जो मैं कहीं जाती हूँ तो एक पिक कर लेती हूँ वहाँ से या लाइक दस ये जो है ये जो है मैंने गोवा में लिया था वहाँ पे बीच आरम्बोल बीच पे बहुत प्यार लगा मुझे तो ये वहाँ पे परचेज़ किया और जैसे मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत शौक़ है तो ये सारे मेरे झुमके के, के कलेक्शंस कुछ छोटे कुछ बड़े ये वाला मैंने फुकेट से लिया था हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड गए थे वहाँ से मैंने लिया था और ये इस बार गोवा जो गई थी मैं अपने ब्लॉग में देखा होगा वहाँ पे मैंने ये परचेस किया था और आ, ये भी गोवा से लिया था आरम्बोल बीच मुझे ये ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने ले लिया ओह और बहुत काम है तो मैं काम पर लग जाती हूँ और ये सब कुछ सेट करने के बाद कैसा लग रहा है मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू करके दिखाऊँगी